आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जबलपुर के मेडिकल स्थित बड्डा दादा ग्राउंड में आयोजित श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की आज कलश यात्रा निकाली गई, जो मेडिकल के डॉक्टर कॉलोनी होते हुए कथा स्थल समाप्त हुई। इस कथा का आयोजन पंडित प्रमोद तिवारी, विधायक तरुण भनोट, सत्येंद्र पटेल, अनुपम जैन, मनीष पटेल के द्वारा किया जा रहा है। आयोजक रोहित तिवारी ने बताया कि उनकी माता और भाइयों की स्मृति में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन कथा वक्ता सुश्री जया किशोरी के मुखारविंद से कथा वाचन किया जाएगा। ये 9 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। 16 नवंबर को हवन भंडारे के साथ श्रीमद भागवत कथा का समापन किया जाएगा। जी, आज श्रीमद भागवत कथा का आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा है और आज आपको देखने मिल रहा है कि हमारे यहाँ पे सुश्री जया किशोरी जी का के माध्यम से उनके मुखारविंद से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और इस कथा का आयोजन जो कर रहे हैं, आयोजन हमारे पंडित प्रमोद तिवारी जी, हमारे बड़े भाई रोहित तिवारी जी, पंकज तिवारी जी के परिवार की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं माननीय हमारे पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट जी और हमारे शहर के महापौर जगत भारद्वाज अन्नु भैया। और आप सभी संस्कारधानियों से, वासियों से ये अपील है कि आप सभी लोग इस कथा को सुनने जरूर आएँ। ये कथा आज से 9 तारीख से प्रारंभ होकर 15 तारीख तक चलेगी और 16 तारीख को यहाँ पे विशाल भंडारा है और ये कथा दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक यहाँ पे कथा का आयोजन किया जाएगा। आप सभी से मेरी करवत निवेदन है कि आप सभी लोग संस्कार दाने के समस्त वासी इस कथा को सुनने के लिए जरूर आएँ। यह कथा हमारे यहाँ पे मेडिकल में पास बड्डा दादा ग्राउंड पर आयोजित हो रही है और यहाँ पे सभी लोगों को बैठने की उचित व्यवस्था है और पार्किंग की विधिवत व्यवस्था है। यहाँ किसी प्रकार की किसी कोई परेशानी नहीं आएगी, सब चाहिए तैयारियाँ यहाँ पे अच्छे तरीके से हो गई। जय श्री कृष्णा। बड़े ही हर्ष के साथ आप सभी संस्कारधानी के समस्त श्रद्धालुजनों को बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी माता जी श्रीमती पूज्य उमा तिवारी जी, मेरे बड़े भ्राता पूज्य मनोज तिवारी जी और मनीष तिवारी जी, उनकी पुण्य स्मृति में मेरे पिता श्री प्रमोद तिवारी जी, मेरे बड़े भाई श्री पंकज तिवारी जी, पंडित रोहित तिवारी जी के द्वारा यहाँ पर बट्टा दादा मैदान मेडिकल कॉलेज के पास स्वास्थ्य ग्रैंड के सामने भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह भागवत कथा जबलपुर में प्रथम बार श्री पूज्य जया किशोरी जी के मुखारविंद से हो रहा है और मेरे पिताजी की, मेरे परिवार की आप सभी से विनम्र अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस भागवत कथा का लाभ उठाएं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, जिन्होंने हमें भरपूर समर्थन, भरपूर सहयोग दिया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान किया है, माननीय श्री तरुण भानोट जी हमारे विधायक हैं, जो कि लोकप्रिय विधायक हैं पश्चिम विधानसभा के, उनके द्वारा ये संयोजन में कार्यक्रम हो रहा है। माननीय श्री सत्येंद्र पटेल जी, माननीय श्री अनुपम जैन जी, माननीय श्री मनीष पटेल जी, इनके सहयोग से कार्यक्रम अपना पूर्ण रूप में आकार लेगा। और मैं आप सबसे पुनः अपील करना चाहूँगा कि एक बार आप इस भागवत कथा में आएँ और इसका पुण्य लाभ लें। धन्यवाद।